आशीर्वाद देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हजारों हजार की संख्या में आप सड़क पर रहेंगे। विपक्ष के नेता हैं, बोल रहे हो रोड शो करेंगे, हम जॉब शो करेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मेरा नाम सचिन हुआ। आज 12 तारीख है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पटना आम का आगमन होने वाला है। अभी हम पाटलिपुत्रा लोकसभा में पाटलिपुत्रा के प्रत्याशी राम कृपाल यादव का जनसंपर्क हो रहा है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितना स्वागत करते हैं मोदी जी का, क्या सवाल मोदी जी आ रहे हैं? हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारतीय इतिहास में बिहार की धरती पर पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पटना के रोड पर रोड शो करेंगे, और आज बड़ा उत्साह का माहौल है पूरे पटना में, पूरे बिहार में माननीय मोदी जी को देखने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हजारों हजार की संख्या में आज सड़क पर रहेंगे और माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। साथ में आप भी रहेंगे आज? निश्चित तौर पर हम सब लोग हैं। कैसी तैयारी है? तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, उत्साह का कोई उमंग का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये इतिहास साक्षी रहेगा। न जाने आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री तो बहुत बने, और बिहार के इस पाटलिपुत्र की धरती पर, बिहार के ऐतिहासिक पवित्र धरती पर प्रधानमंत्री जी पहली बार रोड शो करने का काम। बहुत भव्य रोड शो हो जाएगा, निश्चित तौर पर, इसमें कहीं तो मत नहीं है। अब विपक्ष के नेता हैं, बोल रहे हो रोड शो करेंगे, हम जॉब शो करेंगे। जॉब शो क्या करेंगे, जॉब तो छीनने वाले लोग हैं। हाँ, अपने 15 साल के कार्यकाल में जो दुर्गति बिहार वासियों को किया है, बिहार के आवाम को किया है, गरीबों को किया है, शोषण किया है, दोहन किया है, रोजगार छीना है। तो वो कह रहे हैं कि रोजगार दिए 17 महीने बनाम 17 साल का दावा करते हैं। 17 महीने की सरकार जो है एनडीए की सरकार ने उसको प्लान किया था, और उसी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू करने का काम किया। इनका कोई अचीवमेंट नहीं है, इनके 6 डिपार्टमेंट में 6 नौकरी भी नहीं दे पाए, तो क्या बात करेंगे। और शिक्षा विभाग इनकी जिम्मेवारी में थी, जिम्मा में था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही सब ऑर्डर किया है। इनके मंत्री तो ऑफिसर नहीं जाते थे, दफ्तर नहीं जाते थे, सब घोषणा देने का काम कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। महाराज के मिर्जा खेले हो, अच्छा माल हमारा नाम तुम्हारा, सब जानते हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल तो आप खुद भी देख रहे हैं, घर घर पता कर लेंगे, लोगों से पता कर लेते हैं, केवल मोदी में है। देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के प्रगति के लिए, विकसित भारत, विकसित बिहार के लिए, विकसित पटना के लिए मोदी आवश्यक है। और निश्चित तौर पर 10 साल के दरमियान माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से जो विकास का काम किया है वो आपके सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। विकास के आधार पर हम लोग मत मांग रहे हैं, और राष्ट्र के निर्माण में मोदी जी की भूमिका रही है, राष्ट्र को शक्ति देने में, आर्थिक मजबूती देने में, और भ्रष्टाचार से निपटारा करने में। इस बार 400 बार का नारा पार होगा, निश्चित तौर पर जो उत्साह का माहौल है, और अभी तक जो चुनाव जो हुए हैं वो सब जगह एनडीए है और सब जगह मोदी। क्या माहौल है मोदी जी का, कैसे स्वागत है? मोदी घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। कैसे, कितना खुश है मोदी जी के आने से? मोदी जी के आने से पूरे देश खुश है, पटना के लोग बहुत खुश है, क्या मोदी जी हम घर घर गली गली घूमेंगे। 400 पार का नारा जी, 400 पार पाटलिपुत्रा से, पाटलिपुत्रा से राम कृपाल यादव जिंदाबाद, राम कृपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए बढ़िया बढ़िया, पाटलिपुत्रा लोकसभा में हमारे साथ राम कृपाल यादव जिंदाबाद, राम कृपाल यादव जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।